नेक्स्ट हम डिटरमिनेंट में और आगे देखते हैं। सो अगर आपका डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ए ही ले रही हूँ, इसका डिटरमिनेंट अगर आपका 0 हो जाता है तो इस मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो हो जाए तो आपका ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर एक मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 है तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, और अगर नॉन जीरो है डिटरमिनेंट तो हम उसको नॉन सिंगुलर बोल देते हैं। और नॉन सिंगुलर को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, जो हम अभी आगे जब इनवर्स वगैरह देखेंगे उस टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपकी कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसमें अगर आपकी कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, ठीक है, तो आप एनी टू रो आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है अगर कोई दो रो सेम है, ठीक है, तो आपका जो ए है इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। ठीक है, या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका 0 हो जाता है। या फिर आपकी कोई भी रो या कोई कॉलम आपका उसमें सारी एंट्रीज 0 हैं। ठीक है, तो ऑल एंट्रीज ऑफ एक रो और कॉलम आर 0, तब भी आपका जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज आती हैं कि सपोज ए और बी आपकी दो कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है, और के कोई आपका स्केलर है, के इज स्केलर, तो ये आपका रियल रेशनल कुछ भी नंबर हो सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, मतलब दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट अगर आप लोग निकालना चाह रहे हैं तो आप उन दोनों के अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के भी प्रोडक्ट करेंगे तो वो सेम आएगा। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम ए टू द पावर समथिंग के का अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के टाइम्स। ठीक है, अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसके हेल्प से, और ये आपका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर के। मतलब अगर ए की समथिंग पावर का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसकी उतनी पावर कर देंगे, तो जो आएगा वो भी आपका सेम आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हमें किसी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल का डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब के टाइम्स ए का डिटरमिनेंट देखें, जहाँ पे ए आपका एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, के टू द पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और ये आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि के इंटू ए का मतलब है कि आप मैट्रिक्स जो है इसकी हर एक एंट्री में के से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तब आप देख सकते हैं कि इसमें के टू द पावर एन जो है एंट्रीज वो आपकी कॉमन आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा वो के टू द पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है कि ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है वो आपका ए के डिटरमिनेंट के इक्वल ही हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट भी हमने देखा था। ठीक है, तो उसके डिटरमिनेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, ए का डिटरमिनेंट निकालिए और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट कर दीजिए। ठीक है, इतना ही होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, इसको मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी बोल देती हूँ, कोई मैट्रिक्स है इसका मैं ट्रांजुगेट ले रही हूँ, और इसके बाद इसका मैं डिटरमिनेंट अगर निकालना चाहूँ तो इसका थ्री और फोर प्रॉपर्टी को मिलके हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, और ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो थर्ड प्रॉपर्टी से हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको, ठीक है, इस टाइप से हो गया। और अब फोर्थ प्रॉपर्टी से आपका
ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ इट का कॉन्जुगेट। ठीक है, ओके। अब हम कुछ जो नेमिंग मेट्रिसेस हैं उनकी समथिंग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डिटरमिनेंट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हमने जो मैट्रिक्स पढ़ी थी वो पढ़ी थी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैं इन शॉर्ट इस टाइप से लिख रही हूँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमारा फॉर्मेट क्या था, इस टाइप से अगर हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो इसको कुछ A11, A12 इस टाइप से डिनोट कर दिया। फिर आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि मैं इस डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका कुछ इस टाइप से फॉर्मेट हो जाएगा, 0 0 A3n इस टाइप से। ये आपका ये वाला फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है आपकी। तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो आपका क्या होगा, अगर मैं इसको A नाम दूं तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा ये जो डायगोनल एलिमेंट है इन्हीं का प्रोडक्ट, मीन्स A11 इंटू A22 इंटू ANN। ठीक है, अब ये कैसे होगा, हमने कल देखा था कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम या तो किसी रो या किसी कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अब आप कभी भी ये ध्यान रखना कि जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हो तो आप उस रो या कॉलम को पकड़िए जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो हो। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत इजीली थोड़ा मतलब कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने डिटरमिनेंट में देखा था कि हम जैसे अगर इस रो के इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम A11 इंटू इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको उसका डिटरमिनेंट देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना, इस एलिमेंट से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो अगर हम उस रो या कॉलम को चूज करते हैं जिसमें आपके ज्यादा से ज्यादा जीरो हो रहे हैं तो इस एंट्री को तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो आपका डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। तो जो नॉन जीरो हो जाएंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा जीरो आ रहे हैं, तो इसमें बेसिकली मुझे इनके बारे में तो सोचना ही नहीं है, बस मुझे क्या करना है A11 की कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करना है और यहीं से मेरा डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। चलिए फिर एक्सपेंड करते हैं, तो A11। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया और उसके बाद आपका इसका डिटरमिनेंट बच गया। ठीक है, अब ये फिर से आपका n-1 × n-1 का मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर से आप अगेन देखेंगे कि आपका ये जो मैट्रिक्स बना है इसमें फिर से आप इस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा जीरो आ रहे हैं तो इनटू आपका क्या हो जाएगा A22 इनटू में इसका जो भी डिटरमिनेंट निकालेंगे फिर से आपके पास में सेम पैटर्न का आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आप करते करते जाएंगे तो ये लास्ट में आपको इस टाइप से इसका डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो आप क्या करिए, सिर्फ और उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको प्रोडक्ट कर दीजिए, वही आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हमने देखा था कि कौन सा हो रहा था, जो A² = A हो रहा था, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स A² = A। अब हमें देखना है कि किसी भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट आपका क्या हो सकता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करिए, आप दोनों तरफ डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑपरेट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, हमें पता है कि इसका डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A² = डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया डिटरमिनेंट ऑफ A² - डिटरमिनेंट ऑफ A = 0 और यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A - 1 = 0। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका डिटरमिनेंट ऑफ A जो है वो या तो 0 हो सकता है या फिर डिटरमिनेंट ऑफ A = 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है,
सफिशियंट नहीं है, मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका जीरो या वन हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक्स आपकी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो यहाँ यहाँ से एक चीज कह सकते हो, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो या वन के इक्वल नहीं हो रहा है, अदर देन जीरो और वन आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स आपकी कभी भी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगी। इसका नेगेशन का एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट आ गया आपका माइनस वन, तो ये जो मैट्रिक्स है कभी भी आपकी आइडमपोटेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका ये नेगेशन कैसे काम आया कि वैसे अगर आपको चेक करना होगा तो ए स्क्वेयर चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इससे इजीली आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने फटाफट डिटरमिनेंट देख लिया कि अच्छा इसका डिटरमिनेंट माइनस वन हो रहा है तो ये कभी आइडमपोटेंट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आपको स्क्वेयर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या कंडीशन था, अगर आपका मैट्रिक्स का जो स्क्वेयर है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसको हम बोले थे कि ये जो मैट्रिक्स आपका इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। अब इसके डिटरमिनेंट के लिए सिंपली जो हमने अभी आइडमपोटेंट के लिए किया था, डिटरमिनेंट दोनों तरफ ऑपरेट करिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वेयर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ से आप जो कंडीशन आपकी निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वेयर इक्वल टू वन, क्योंकि आइडेंटिटी जो है होती है उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो वन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो कोई भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स अगर आपको दे दी जाती है तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो ऑलवेज प्लस या माइनस वन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर इसके अलावा कोई डिटरमिनेंट आ रहा है तो वो कभी आपकी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट में हमने देखा था कि अगर आपकी कोई जो मैट्रिक्स है ए, अगर इसकी समथिंग पावर करने पे जीरो आ जाए, सच दैट इस के से छोटे किसी भी पावर के लिए आपको ये जीरो नहीं मिले, तब उस मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है विद निलपोटेंसी इंडेक्स की, ठीक है। ओके, तो यहां से तो आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं कि इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो जीरो होगा, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट, मतलब आराम से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज आपका जीरो होगा, ठीक है। ओके, चलिए यहीं पे एक क्वेश्चन करते हैं। मैं एक सेट ले रही हूँ एस, ठीक है, तो वो किस टाइप का सेट है आपका, इसमें इस टाइप की मैट्रिक्स है वन जीरो जीरो ए माइनस वन जीरो बी सी माइनस वन सच दैट ए बी सी आपके रियल से बिलोंग कर रहे हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, एंड ए टू द पावर की, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट जो है कभी जीरो आएगा ही नहीं आपका, और डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा तो आपका कभी निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये जो सेट है आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि हमारा जो कोई भी मैट्रिक्स है उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब वो ए इक्वल टू सॉरी ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी जो ये इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, और हमें पता है कि ए और ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल आता है, तो यहाँ से भी आपकी क्या कंडीशन आ जाएगी कि ए का जो डिटरमिनेंट है वो प्लस माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऑर्थोगोनल और सिमिलरली अगर हम यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स भी हमने क्या देखा था कि यूनिटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हो रही थी जो ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी हो रही थी। तो यहाँ से भी आप अगर डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए थीटा इक्वल टू ए इंटू ए थीटा इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है। और
हमने अभी प्रॉपर्टीज में देखा कि ए थीटा का जो डिटरमिनेंट होता है वो इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं कि ए का जो डिटरमिनेंट है उसका मोडुलस जो है वो 1 आएगा, ठीक है। तो जो आपका यूनिटरी मैट्रिक्स होती है उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो यूनिट मॉडुलस का होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जेड इंटू जेड बार आपका मोड जेड का स्क्वेयर होता है, ठीक है, इसमें मॉडुलस आता है, इसलिए ये जो यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई उसका आपका जो डिटरमिनेंट है वो यूनिट मॉडुलस का आ जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में तो आप देख सकते हैं कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, तो इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से तो हम यही देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो इसके इक्वल आता है, तो यहाँ से हमें कोई कंडीशन नहीं मिली। इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपका डिटरमिनेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे हमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ठीक है। अब अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक का देखें तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपका क्या हो जाता है, ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां से आपका क्या कंडीशन आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपका ए के इक्वल ही होता है, पर यहाँ पे ये जो माइनस है ये मैंने -1, यहाँ पे -1 to the power n आएगा, क्योंकि हमने अभी चेक किया था कि स्केलर टाइम्स जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो स्केलर की पावर n हो जाती है, तो यहाँ पे -1 है तो -1 to the power n। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर n आपका इवन हुआ तब तो ये चीज आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तब तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो n इक्वल टू इवन हुआ तब कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी डिटरमिनेंट, बट अगर n इक्वल टू ओड हुआ तब आपका जो ये डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कोई भी वैल्यू हो सकती है डिटरमिनेंट की, बट अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपका n पे डिपेंड करेगा, अगर ओड हो रहा है तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, और सॉरी n अगर ओड हो रहा है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, और इवन हुआ तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। ओके, सिमिलरली हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन का भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हर्मिशियन में आपका क्या हो रहा था, ए इक्वल टू ए थीटा हो रहा था, तो यहाँ पे ए इक्वल टू ए थीटा इम्प्लाई आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट, ठीक है, यही निकल के आएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कोई नंबर डिटरमिनेंट आपका क्या होता है, एक्चुअली एक नंबर ही होता है, ठीक है। तो एक जो नंबर है वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल आ रहा है, और ये कब पॉसिबल होता है, जब वो नंबर आपका प्योरली रियल हो। इसका मतलब अगर आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो प्योरली रियल होगा, ठीक है, मतलब इमेजिनरी नहीं हो सकता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है प्योरली रियल होगा आपका। और सिमिलरली अगर आप स्क्यू हर्मिशियन में देखेंगे तो उसमें ए इक्वल टू ए थीटा हो जाएगा, है ना, सॉरी ए इक्वल टू माइनस ए थीटा। तो यहां से आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो निकल के आएगा -1 to the power n डिटरमिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट, जैसे सिमिलरली आपका स्क्यू सिमेट्रिक में हमने देखा था, वही कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। n पे डिपेंड करेगा n ओड है या इवन है, अगर n आपका इवन हुआ तब तो यही वाला कंडीशन आ गया, मतलब प्योरली रियल, और अगर n ओड हुआ तब आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी कैसे होगा, अगर n आपका ओड हुआ तो यहाँ से आपका डिटरमिनेंट ऑफ एक कोई नंबर है, मैं इसको सपोज b नाम दे रही हूँ, तो b इक्वल टू माइनस टाइम्स कॉन्जुगेट ऑफ b आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका बी जो है वो प्योरली इमेजिनरी हो, ठीक है। तो अगर एन आपका ओड होता है तो प्योरली इमेजिनरी आएगा, और एन इक्वल टू इवन होता है तो आपका जो डिटरमिनेंट है वो प्योरली रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट आपका जो एक और कंसेप्ट जो काफी बार आता है क्वेश्चन में, वो आता है डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट। मीन्स अगर आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ऑब्वियस है कि डिटरमिनेंट की डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई आपको वेरिएबल दे रखा होगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में आपसे डेरिवेटिव निकलवाएगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो सपोज आपका एक डिटरमिनेंट कोई इस टाइप से दे रखा है, ठीक है, इसको मैं अगर डेल से डिनोट करूँ, समथिंग जो भी दे रखा है। अगर डेरिवेटिव की बात, तो सपोज हम कुछ फंक्शन लिख लेते हैं, g1 g2, अगर हम 3x3 की बात करें, g1 सॉरी g4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो या तो क्या करिए कि आप डिटरमिनेंट निकाल के उसका डेरिवेटिव निकाल दो, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका होता है, अगर सपोज मैं x के रिस्पेक्ट में निकालना चाहूँ, तो डी ऑफ टी एक्स आपका क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो उठाइए, उसका डेरिवेटिव करिए, g1 dash g2 dash g3 dash, और जो बाकी रो है इनको एज इट इज छोड़ दीजिए, g8 g9। ठीक है, और इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। सिंपली हम लोग, अगर हमारे पास एक एक से ज्यादा फंक्शन होते तो उस टाइम कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, हम पहले का निकाल के फिर बाकी दो का एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस में सेकंड का निकालेंगे, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ देते हैं। तो उस टाइप से जैसे निकालते वैसे हमें सिमिलर डिटरमिनेंट में निकालना है। तो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव किया, बाकी दोनों को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, प्लस अब फर्स्ट को ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे और सेकेंड रो का निकाल देंगे, g5 g6, और थर्ड को ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर प्लस में फर्स्ट को ऐसे कैसे छोड़ेंगे, सेकंड को ऐसे कैसे छोड़ देंगे, और जो थर्ड रो है उसका डिटरमिनेंट निकाल के और तीनों को प्लस कर देंगे, तो ये जो आएगा ये आपका इस डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आप या तो डेरिवेटिव निकाल के डिटरमिनेंट करो, या फिर जो ये वाला मेथड है इस टाइप से करो, दोनों आपके सेम आएंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो। ओके, सो आप एक लिख सकते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट है 1x x स्क्वायर 3 2 1 0 4 5, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए। ठीक है, और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसको आप दोनों मेथड से चेक कर सकते हैं, दोनों ही मेथड से आपका इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर आपका जैसे ए इंटू बी, इनका प्रोडक्ट जीरो दे रखा है, मतलब इनके डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट जीरो दे रखा है, इसका मतलब है कि आप या तो कोई ए मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, या तो कोई या तो आपकी मैट्रिक्स बी सिंगुलर होगी। ठीक है, मीन्स अगर आपकी ए इंटू बी सिंगुलर हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई एक मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर होगी, पर ये नहीं कह सकते कि नल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इसमें से कोई एक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो आपका जीरो होगा। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट आपका, ये आपका डिटरमिनेंट का कंसेप्ट था, इसमें जो जो बेसिक्स चीजें थी वो सब मैंने लगभग रिकॉल करवा दी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हम इनवर्स पे आएंगे। इनवर्स पे आने से पहले एडजॉइंट की बात करेंगे। एडजॉइंट के लिए हम ने कल माइनर कोफैक्टर की बात की थी। ठीक है, तो एडजॉइंट में एक मैट्रिक्स ए दे दिया है। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इसको सबसे पहले डिनोट करते हैं हम ए डी जे से। ए डी जे ऑफ ए का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए, और ये आपका कैसे निकलता है, अगर ए मैट्रिक्स है जैसे
A11, A12, A1N, 21, 22, 2N, ये एक जनरल मैट्रिक्स में लिख रही हूँ n क्रॉस n का, ये आपका n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो गया। अब इसका जो एडजॉइंट है उसको निकालने के लिए पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इसके जो कोफैक्टर है उसको मैं एम आई जे नाम दे रही हूँ, ये कोफैक्टर है किसका, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, ठीक है। तो हमने कल कोफैक्टर निकालना देख लिया था कि कैसे कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो सपोज जो मैट्रिक्स बनी आपकी, कुछ मैं उसको एम नाम दे रही हूँ, तो ये बन गया आपकी M11, ये आपका A11 का कोफैक्टर है, फिर आप 12 का कोफैक्टर लिखेंगे M12, इस टाइप से एक मैट्रिक्स बना लेंगे हम लोग, M21, M22, इसी टाइप से M11, MN2, यहाँ पे भी आपका इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना ली, अब क्या करेंगे इसको, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो एम ट्रांसपोज है, ठीक है। तो एम आपका क्या था, जो जिस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं उसके कोफैक्टर्स से आपने मैट्रिक्स एम बनाया और इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो वो आपका एडजॉइंट हो गया, ठीक है। सिंपली एडजॉइंट यही होता है आपका। अगर यहाँ पे ए जो है वो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो इसका जो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एन माइनस वन होता है, क्यों। तो ये आपका एक रिजल्ट से आता है, वो कौन सा आपका रिजल्ट है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट होता है आपका, इससे हम ये चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। मीन्स अगर ए को आप उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, ठीक है। और इस रिजल्ट को हम इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि कोई भी जो मैट्रिक्स होती है ना वो अपने एडजॉइंट के साथ में कम्यूट करती है, मीन्स ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। तो एडजॉइंट जो होता है वो आपका कम्यूट करता है मैट्रिक्स के साथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स ले लिए एन क्रॉस एन की, इसको हम बोलेंगे कि इन्वर्टिबल है, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देर एग्जिस्ट ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, सपोज इसको मैं बी नाम दे रही हूँ, सच दैट ए टाइम्स बी इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जाए आपको एन क्रॉस एन की, ठीक है। अगर एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के लिए आपके पास में कोई दूसरी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है सच दैट ए इंटू बी आपको आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है, और ये बी आपको नॉन जीरो होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये आपका इन्वर्टिबल है और ये जो बी मैट्रिक्स है ये इसका इनवर्स है। और इनवर्स को हम जो लिखते हैं वो इस टाइप से लिखते हैं, तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या हो गया, जो बी मैट्रिक्स है वो इसकी इनवर्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्वर्टिबल एक मैट्रिक्स को तभी बोलेंगे या फिर एक मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है, ओके। और इनवर्स निकालने का एक तो तरीका यही होता है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपका जो इनवर्स है मैट्रिक्स का वो क्या निकल के आएगा, ए इनवर्स निकल के आएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स का फॉर्मूला होता है,
ठीक है, तो हम लोग स्केलर मल्टीपल मतलब के टाइम्स ए है, इसके इनवर्स की बात कर रहे थे, तो ये आपका क्या होता है, 1/k इंटू ए इनवर्स। ठीक है, सिंपली और कुछ नहीं करना है, के को 1/k कर देना है, इंटू ए इनवर्स कर दो, यही आपका के इंटू ए का इनवर्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आपकी ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इनका जो सम है वो इन्वर्टिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ए और बी इन्वर्टिबल है, डजंट इम्प्लाई कि ए प्लस बी जो है वो भी इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, मे और मे नोट भी, अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो ए को आइडेंटिटी ले लो और बी को माइनस टाइम्स आइडेंटिटी ले लो, आइडेंटिटी भी इन्वर्टिबल, माइनस टाइम भी, माइनस आइडेंटिटी भी इन्वर्टिबल, पर इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, जो कि आपका इन्वर्टिबल नहीं होता है। बट अगर दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और उसका प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो जरूर आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा। ठीक है, ए और बी है आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए प्लस बी की जो पावर्स हैं वो इन्वर्टिबल होंगी कि नहीं होगी। ठीक है, इन्वर्टिबल या नॉट इन्वर्टिबल, तो ये पावर्स कब इन्वर्टिबल होंगी, जब आपकी ए प्लस बी इन्वर्टिबल होगी। बट हमें पता है कि अगर आपके पास में दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हैं तो उनका सम इन्वर्टिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अभी मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, आई और माइनस आई, यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो 0 to the power n हो जाएगी। ये कभी इन्वर्टिबल होगी, कभी भी नहीं होगी। ये आपका यस कब होता, अगर मैं कह देती कि आपके पास में ए प्लस बी है वो इन्वर्टिबल है, तब तो ऑब्वियसली है कि आपका ए प्लस बी की कोई भी पावर का आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो नॉन जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है, बट मैंने अभी यहाँ पे कहा है कि ए और बी इन्वर्टिबल है,